लेकिन लाठी चार्ज जो है वो हो गया है, लगातार जो है लाठियां बरसाई जा रही है। पूरा रास्ता जो है पुलिस कर्मियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं हम पे, हमें मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मंदिर जाने के लिए कोशिश करी, मैंने मेरा सिर फोड़ दिया और मेरे मुंह पे लाठी मारी पुलिस वाले ने। हम हिंदुओं का क्यों रोका जा रहा है? बाकी पूरे में कर्फ्यू क्यों नहीं लगता? मस्जिदों में क्यों नहीं लगता? स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। नहीं नहीं, तब कहां थी स्थिति? यही पुलिस प्रशासन हर शुक्रवार को इनकी सुरक्षा करता है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हिंदुओं को मंदिर जाने से रोकता है। हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? हम दो लाठी लगे मेरे को, लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम इनकी लाठी भी खाने के लिए तैयार है, अगर इनकी लाठी भी लगेगी तो हम जवाब देंगे। आप तो मुंह बुट्टा सिर फट जाओ, जान भी ले जाओगी, लेकिन जवाब देंगे और अपने महाराज जी को बचा के लाऊंगे। नमस्कार, मैं उर्सव ओस्थिर, आप देख रहे हैं न्यूज टैंक। डासना में से मौजूद है, डासना में देखेंगे हिंदू समाज ने जो है हिंदू महापंचायत का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने सभी रास्ते बंद कर दिए और उनको यहाँ से जाने से रोक दिया। लेकिन हिंदू समाज की भीड़ जो है वो पूरी एकजुट होकर के, 36 बिरादरी पूरी एक साथ आई है और पंचायत का आह्वान जो किया गया था उसको पूरा करने के लिए हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर है और नारे लगाते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए भीड़ अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ से वहाँ तक जो है वो भारी संख्या में लगातार पीछे तक देखेंगे हिंदू समाज के लोग जो हैं, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब सड़कों पर उतरे हुए और डासना मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे नहीं पता, पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में जो है डासना मंदिर तक पहुँचने की इनकी कोशिश है। समाज की भीड़ जो है वो आप देख रहे हैं पूरी 36 बिरादरी एक साथ जो है डासना मंदिर की ओर बढ़ रही है, जो इन्होंने संकल्प किया था कि हिंदू महापंचायत करेंगे और यति नरसिंहानंद सरस्वती जो महाराज हैं उनको समर्थन करेंगे। और ये भीड़ की जो है कतार देखेंगे कितनी लंबी कतार है और लगातार लोग जो हैं वो हिंदू समाज पूरा 36 बिरादरी सड़कों पर उतरी हुई है और जय श्री राम के नारों से पूरा डासना गाजियाबाद जो है वो गूंज रहा है। लास्ट तक देखेंगे कितनी कतार जो है लंबी हिंदू समाज की 36 बिरादरी पूरी सड़कों पर उतर करके जो है वो मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो हिंदू समाज का जो काफिला रोड से चला हुआ आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे वो डासना मंदिर के करीब पहुंच चुका है। लास्ट तक देखेंगे भीड़ कितनी भारी संख्या में है। यहाँ पर डासना मंदिर कुछ ही दूरी पर है और हिंदू समाज के लोग जो है वो 36 बिरादरी पूरी डासना मंदिर की ओर बढ़ रही है। देखते हैं इनको पहुँचने देते हैं या नहीं, आगे आपको तस्वीरें दिखाते। पुलिस बैरिकेडिंग जो है वो लगी हुई है, यूपी पुलिस ने पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है, उसके बावजूद हिंदू समाज के लोग जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है। इधर इधर देखिए भारी संख्या में पुलिस और हिंदू समाज के लोग जो हैं वो एकजुट होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ होता है आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे मंदिर पे जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी वो पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ करके जो हिंदू समाज के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब बैरिकेड देखिए, पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया है, हवा में पुलिस का बैरिकेड दिखाई पड़ रहा है। हवा में देखिए, हवा में पुलिस का बैरिकेड जो है वो दिखाई पड़ रहा है, पूरा बैरिकेड जो है वो तोड़ दिया है। और हिंदू समाज के लोग देखिए रास्ता खोल दिया है, पुलिस बैरिकेड तोड़ करके जो लोग हैं लाठी चार्ज होने की उम्मीद लग रही है। देखिए कितनी भारी संख्या में लोग जो है, देखिए भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है हिंदू समाज के लोगों को, लेकिन लगातार लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको समझा बुझा के पीछे विधान भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिंदू समाज के लोग जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। डासना मंदिर में जाने के लिए यह भीड़ लगातार जो है वो पुलिस बल से संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको डासना से जो है वो दिखाई पड़ रही है। डासना मंदिर से जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, देखिए भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन लगातार जो है पुलिस स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है और उनको यहाँ पर जो है
पीछे भेजने की कोशिश हो रही है। अब हिंदू समाज के लोग जो है वो नीचे बैठ रहे हैं। दासना मंदिर की ओर बढ़ने की कोशिश जो हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं लगातार, लेकिन यूपी पुलिस जो लोग मुस्तैदी से तैनात है और उनको यहाँ से आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। लगातार भीड़ जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुँची है। हजारों हिंदू जो है एकजुट होकर के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मंदिर की ओर जो है बढ़ा जाए, पर दासना मंदिर में जो है इनको जाने से यहाँ से रोका जा रहा है। किसी भी तरह से यूपी पुलिस जो है वो नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिगड़े, लेकिन भारी संख्या में जो भीड़ यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ से मंदिर सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, सिर्फ 100-200 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ से मंदिर होगा, लेकिन यूपी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है, जिसकी वजह से ये भारी भीड़ जो है वो यहीं पर रोक ली गई है और आगे बढ़ने से पूरी पुलिस को जो है वो रोक दिया गया है। आपको लाइव तस्वीरें जो है दासना से दिखा रहे हैं जो कि गाजियाबाद में है, और ये मंदिर है दासना का बहुत प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पर माता की पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है। उस मंदिर की ओर बढ़ने के लिए हिंदू समाज के लोग जो है वो आए थे, लेकिन इनको यहीं पर रोक दिया गया, रास्ते में ही जो है वो बैठ गए हैं। और अगर भीड़ आपको दिखाने की कोशिश करें, तो भीड़ पीछे तक जो है आपको भीड़ दिखाई देगी। लगातार भारी संख्या में लोग जो हैं वो एकजुट हैं, और बैरिकेड को भी देखिए आप, उन्होंने खड़ा कर दिया पूरी तरह से, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन देखिए बैरिकेड को जो है वो वापस से जो है पुलिस वालों ने लगा दिया है, और पूरी तरह से ये रास्ता जो था उस रास्ते को रोक को जाम कर दिया गया है और आगे बढ़ने से लोगों को रोका गया है। आगे तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें जो है गाजियाबाद से दासना मंदिर से दिखा रहे हैं। लगातार जो है हिंदू समाज के लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो स्थिति ऐसी बने कि मंदिर तक वो पहुंच पाए, पर मंदिर तक जाने के लिए यूपी पुलिस ने इनको साफ जो है वो मना कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को मंदिर तक जाने की इजाज़त नहीं है। हिंदू समाज के लोग जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सबको जो है वो यहाँ पर रोक दिया गया है और आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। देखिए नारे लगाते हुए जो है हिंदू समाज के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लगातार जो है उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मंदिर तक जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। पुलिस बैरिकेड देखिए, पुलिस बैरिकेड उठा दिया है, पास से तस्वीरें देखने की कोशिश कर, पुलिस बैरिकेड को उठा करके जो है वो ढकेलने की कोशिश है। लगातार जो है पुलिस बैरिकेड को रोकने की कोशिश हो रही है और पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश है। आप आगे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे। और देखिए लाठी चार्ज जो है वो हो गया है। लगातार जो है लाठियां बरसाई जा रही है पुलिस कर्मी पूरा रास्ता जो है पुलिस कर्मियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और खाली करा दिया है। जितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर आई थी वो पूरी भीड़ जो है तितर बितर हो गई है खाली। वहाँ पे लाठी चार्ज कर रहे पुलिस वाले, इनका कोई मतलब नहीं पड़ता लाठी चार्ज करने का। ये लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं हम पे, हमें मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मंदिर यहाँ से कितनी दूरी पे था? ज्यादा 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है। अभी मंदिर पे जाने से रोका गया था, आज ही रोका जा रहा है। हर बार रोका जा रहा है, अभी रोका जा रहा है, मंदिर पर जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या बता रहे रोकने को? रोक बजा क्या रहे कि है? दंगे करेंगे वहाँ जाके, हम क्यों दंगे करेंगे वहाँ जाके? मंदिर पर दंगे करेंगे वहाँ पे जा रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है अपने मंदिर में हम दर्शन करने जाएंगे, हमें रोका जा रहा है। हम हिंदुओं का क्यों रोका जा रहा है? बाकी पूरे में कर्फ्यू क्यों नहीं लगता? मस्जिदों में क्यों नहीं लगता? स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। नहीं, तब कहाँ थी स्थिति? कंट्रोल से बाहर आ जाएगी, आ जाएगी। तब हमने कंट्रोल से बाहर किया गया, हमने कंट्रोल से बाहर किया गया। हमारे ऊपर डंडा क्यों? डंडा लगा डंडा लगा आगे बैरिकेड के पास। बैरिकेड के पास चार्ज कैसे हुआ? हम सारे खड़े थे, आराम से खड़े थे, कोई वैसा भी नहीं हो रहा था कुछ। लाठी चार्ज की स्थिति कैसे बन गई? पुलिस ने अंदर जाने के हम कुछ हटाने के लिए लाठी चार्ज करा दिया। बंदों के सर फाड़ रखा उन्होंने, चोट लगे रखे हैं। अगर इनका कुछ हो गया पुलिस वाले तो आप जवाब देंगे। हम इनकी लाठी भी खाने के लिए तैयार है, अगर इनकी लाठी भी लगेगी तो हम जवाब देंगे। आप तो मुंह बुट्टा शरीर फट जाओ, जान भी ले जाओगी, लेकिन जवाब देंगे और अपने महाराज जी को बचा के लाओगे। मंदिर जाने की कोशिश थी भाई, मंदिर जाने के लिए कोशिश करी, मैंने मेरा सिर फोड़ दिया और मेरे मुंह पे लाठी मारी पुलिस वाले ने। मैं शांतिपूर्वक ये कह रहा था कि मुझे मंदिर में जाने दो, बिना मतलब मेरे लाठी मारी और मैं समझा रहा था कि स्थिति ना बन जाए, ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसी बनेगी? क्योंकि स्थिति करने वाले ना है, हम भगवान राम वाले, हम पत्थर फेंकने वालों में से ना है, लेकिन घर से लठ ले आते, अगर मारते तो लठ ले आते। यहाँ किसी का कोई दंगा करने का, सिद्ध पीठ है माता काली का, किसी के हाथों में कोई आप देख लो लठ हो, कोई डंडा हो कि यहाँ हमला करने आए या कोई किसी में, लेकिन दर्शन नहीं करने दिया पुलिस ने। निर्दोष लोगों पर लाठी चार्ज किया है, यहाँ हमारे साथियों को लहूलुहान कर दिया गया है, निहत्तों को दर्शन करने से रोका गया है। यही पुलिस प्रशासन हर शुक्रवार को इनकी सुरक्षा करता है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हिंदुओं को मंदिर जाने से रोकता है। ये कहाँ का नियम है और ये कहाँ का संविधान है? हिंदुओं को ही कानून कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हिंदुओं को ही दबा, हिंदुओं ही
फॉलो करते हैं संविधान को, हिंदू ही मानते हैं और दूसरा कोई नहीं मान रहा, और हिंदुओं को यहाँ पर दमन किया जा रहा है, हिंदुओं को ही मंदिरों से दर्शन करने से रोका जा रहा है, ये पुलिस प्रशासन का यहाँ पर आप चेहरा देख लो असली चेहरा। हिंदू में शांत रहे, कभी किसी पे हमला नहीं किया है, लेकिन जो हमला करेगा उसको छोड़ेगा भी नहीं, आज का हिंदू जाग चुका है। प्रशासन जो है वो भारी संख्या में जो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है, जब इन लोगों ने कोशिश की बैरिकेटिंग और बढ़ने के लिए तो यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, एक जो व्यक्ति में यहाँ पर मिला उनको वो घायल भी हुआ, उसको लाठी भी लगी है, दर्शन करने से मना कर दिया गया है। हम अपने मंदिर में अपने दर्शन भी नहीं करते शांति, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, हम में रह के पाकिस्तान वाली बात में, योगी के सरकार होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे डंडा खाना पड़ता है। हाँ, आज हमारे साथियों का लोहे लोहान कर दिया, किस कारण लोहे लोहान कर दिया गया? लगी है घर वाली मेरी, वो करेगी सूजी, दो लाठी लगे, दो लाठी लगे मेरे को, देखिए चोट लगी यहाँ पे, लाठी चार्ज कर रहे हैं।